News 24 में मैं सारिका राठौर। समस्या है तो समाधान भी है, और इन्हीं समाधानों के चलते हम जगह जगह अपना समय और पैसा दोनों जाया करते हैं। तो आज इन्हीं समाधानों के चलते हमारे साथ जुड़े हैं पंडित मुकेश गौर जी। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC News 24 में। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मुकेश गौर है, जैसे कि आपने बोला है, और मैं जयपुर में पिछले 20 सालों से जी का दे रहा हूँ, और ज्योतिष से संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपने जो ये ज्योतिष विद्या ली है, ये आपने अपनी रुचि से ली है या आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे? ज्योतिष एक्चुअली क्या है कि ये हमारा खानदानी इसको कह सकते, पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करने लग गए, फिर बड़े भाई कर रहे थे। बचपन से देखता आ रहा था, इंटरेस्ट नहीं था शुरू शुरू में, लेकिन जैसे बड़ा हुआ तो ज्योतिष से संबंधित देखा कि लोग आ रहे हैं इनके पास, क्यों आ रहे हैं, इतनी उत्साह रहती थी लोगों को अपने बारे में जानने की। तो जैसे अपने आप ही धीरे धीरे रुचि बढ़ना शुरू हो गई, ध्यान दिया तो आधा ज्ञान तो वैसे बचपन में ही आ गया था, उसके बाद जो खानदानी तो विरासत। गण नक्षत्र क्या ये वाकई होते हैं और मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालते हैं? ये बिल्कुल ग्रह नक्षत्र होते हैं। जैसे लेकिन हमने शुरू से यही सुना है और अब तक हम यही सुनते हैं कि कर्म ही धर्म है, तो जो इंसान कर्म करता है वही वो भुगतता है। तो हम इस चीज़ को माने या हम ये माने कि गण नक्षत्र की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, कर्म ही धर्म है, कर्म करने से ही इंसान को फल मिलता है। परंतु कभी कभी हम कर्म भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें फल नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रह नक्षत्र इंसान के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मांड में जो नवग्रह है वो हमारे ऊपर जीवन प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव डालता है। हम कर्म कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें का रिटर्न्स नहीं आ रहा है, हम 100 रुपये की मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद उसका 50% भी हमें नहीं मिल पा रहा, उसको हम क्या कहेंगे? हमारे कर्मों में कमी है, हमारी मेहनत में कमी है। तो वहाँ पे ग्रह नक्षत्र जो है वो अपना बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों की वजह से इंसान के जीवन में बाधाएँ आती हैं, उनका निवारण के पश्चात कर्म है वो सब शुरू हो जाते हैं। देशों में और जो आजकल लोग इतना पढ़ लिख गए हैं तो ये ज्योतिषी पे हम विश्वास कर रहे हैं, और विदेशों में तो इन वही चीज़ें सब विदेशों में भी होती हैं, पर वो लोग तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वो फिर भी हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, हमसे ज़्यादा आगे रहते हैं बिना भी। देखिए विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मानते हैं, मेरे पास विदेशों से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, UK है, USA है, लंदन है, इंग्लैंड है, ऐसे बहुत सारे देशों से मेरे पास भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अगर अपने इंडिया के अलावा अगर हम फॉरनर्स की बात करते हैं तो वो भी जहाँ तक है, लेकिन वो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश्वास करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत सारे हमसे काम करवा दिए जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीज़न एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो फॉरनर्स क्या है, तो आज इंडिया के अंदर देखने आते हैं, नवग्रहों के मंदिर देखने आते हैं, हमारे बहुत सारे मंदिर है जो उसका वास्तु देखने के लिए आते हैं, तो क्या वो वास्तु दोष को नहीं मानते हैं? वो वास्तु विश्वास नहीं करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसको मानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी को अगर साइंटिफिक तरीके से लेके चलेंगे तो उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें काफ़ी अंधविश्वास में भी कई बार ढकेल देती हैं लोगों को? जी बहुत, उसके चलते वो काफ़ी अपने नुकसान भी उठा लेते हैं क्योंकि काफ़ी होंगी भी ये सब चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ आज एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत सारा अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है, और कुछ जो एस्ट्रोलॉजी का जो जगह जगह ज्योतिष का जो कार्य करते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी प्रोफेशनल के वो कर रहे हैं, तो कुछ जो इलीगल है आजकल हर किसी बिजनेस में, ये नहीं कि ज्योतिष में भी हैं, बहुत सारे जो बिजनेस हैं उसमें भी, अगर डॉक्टरी पैसा कहें तो उसमें भी है, स्किल है, कोई भी हम प्रोफेशनल कह सकते हैं, उसके अंदर हर तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ज्योतिष में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, लेकिन
ज्योतिष कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है, ज्योतिष ज्योति ईश्वर, यानी ईश्वर की ज्योति है जिसको हम ज्योतिष कह सकते हैं। तो अगर हम उसको ज्योतिष को सही ढंग से और उसको साइंटिफिक तरीके से अगर हम ज्योतिष को करते हैं तो अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष बहुत ही अच्छा ज्ञान है और अपने ग्रह है कुंडली के, कुंडली को मिलान करके दशाएँ अंतरदशाएँ विषोन्तरी दशाएँ अगर उनका नॉलेज है, अगर उनको हम सही राय देते हैं तो इंसान को हम बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और इंसान कामयाब हो सकता है। आप कुछ अपनी टिप्पणियाँ या कुछ कहेंगे कि जो दर्शक हमारे अंधविश्वास में ना जाए और इस ज्योतिष को सही रूप से अपनाएं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल ज्योतिष के नाम पर बहुत सारा अंधविश्वास लोग फैला रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके ग्रह वीक है या ग्रह आपके फेवर में नहीं है या ग्रहों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका आप साइंटिफिक तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। उसके मंत्र जाप हैं, उसके उपाय हैं, ग्रहों की कई तरह की पूजाएँ होती हैं, साधनाएँ होती हैं, उपाय होते हैं, वो कीजिए आप, न कि आप किसी अंधविश्वास में पड़े। ज्योतिष किसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता, ज्योतिष किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। जो कर्म में लिखा है वो मिलेगा, परंतु जो लिखा होने के बावजूद नहीं मिल रहा है वो तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम ग्रहों का निवारण के द्वारा कर सकते हैं। जो आप समाधान देते हैं, आप जो प्रेडिक्शंस करते हैं, वो कितने प्रतिशत सफल रहती हैं? मेरे जो प्रेडिक्शन होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, न कि कोई अंधविश्वास में ले जाने वाले होते हैं। और जहाँ तक है 90-95% बहुत अच्छे होते हैं। अगर जहाँ तक उसको अपनी दिल से और लगन से करेंगे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और 100% मिलता है। जैसा कि आपने बताया कि आजकल काफ़ी ढोंगी भी इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन अंधविश्वासों को छोड़ के हमारे जो दर्शक हैं वो आप जैसे पंडित जी से या आपसे कैसे संपर्क करें? बिल्कुल, कोई भी अगर जहाँ तक हमसे मिलना चाहते हैं तो हम मुझसे पर्सनली आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से बनी पार्क तुलसी मार्ग में मेरा ऑफिस है, तो तुलसी मार्ग बनी पार्क में आके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी का आपका। तो आशा करती हूँ कि आपके काफ़ी सवालों का आज आपको समाधान मिला होगा।